हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग और कमाल की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज की जो वीडियो है वो रहने वाली अगारो की तरफ से आने वाले उनके स्पोर्ट्स ईयरबड्स की। करेंगे इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं ये जो प्रोडक्ट है हमें कितना शानदार मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो फीचर्स हैं वो काफ़ी लाजवाब है और अनबीटेबल प्राइस के अंदर आपको देखने मिलते हैं। कैसी फिटिंग वगैरह है, कैसी यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन मिलती है और यहाँ पर ऑडियो कैसी है, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस प्रोडक्ट को। सो गाइस, करते हैं जल्दी से इसके बॉक्स के अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि यहाँ पर जो कंटेंट है वो आपको बॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बॉक्स के अंदर जो कंटेंट है वो ये देखने को मिल जाएगा। जल्दी से बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका यूज़र मैनुअल गाइड, जहाँ पर सारी इंस्ट्रक्शन और डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसके साथ एक माइक्रो यूएसबी वाली जो चार्जिंग केबल है, और आपको चार्ज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पर आपके जो ए टिप्स वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे, जो कि दो पेयर है, और एक ऑर्गेनाइज़र भी देखने को मिलता है, वायर ऑर्गेनाइज़र, तो इसके साथ आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक केस मिल जाता है या फिर पाउच मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, तो इसको भी आप बॉक्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। अब जो हमारा मेन कंटेंट है, यानी कि हमारे जो ईयरफोन्स है ब्लूटूथ वाले, उसकी बात कर लेते हैं, ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। और पीछे का जो कंटेंट है उसको साफ करता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो ईयरबड्स हैं वो कुछ ऐसी डिज़ाइन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर इनके डिज़ाइन की बात करूँ तो ये थोड़े से आपको शेप में बड़े लग सकते हैं, क्योंकि ये हैं स्पोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर इनकी जो शेप है थोड़ी सी यूनिक है और थोड़ी सी बढ़िया भी मैं कहूँगा। अगर आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर कोई TWS या फिर स्पोर्ट्स नेक बैंड या फिर ईयरबड चाहिए तो ये कुछ आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी क्या मिलती है। पूरा ये प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पर यूज़ कर रखा है, और ये वाले जो हुक हैं ये कर रखे हैं रबर और प्लास्टिक का जो मिक्स है वो आपको देखने को मिलेगा। अगारो की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर अगर मैं वायर की क्वालिटी की बात करूँ तो फ्लैट वायर आपको देखने को मिलती है, और वायर की जो क्वालिटी है अमेजिंग है। आपको इतनी जल्दी कोई परेशानी नहीं होने वाली, मतलब लगातार आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर आपको बात नहीं करेगी। ओवरव्यू की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक का जो साइन है वो बना हुआ है, लेकिन ये कोई बटन नहीं है यहाँ पर प्रेस करने के लिए। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का जो बटन है वो देखने को मिलता है, यहाँ से आपके जो ईयरबड्स हैं वो ऑन हो जाएंगे या फिर ऑफ हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड बटन मिलते हैं प्लस और माइनस के, और यही बटन आपको वॉल्यूम और यहाँ पर सॉन्ग नेक्स्ट और प्रीवियस करने के काम आएगा। कॉल ड्रॉप और पिक करने के लिए ये वाला बटन काम आएगा। और इसके साथ साथ नीचे की तरफ आपको चार्जिंग के लिए जो स्लॉट है वो मिल जाता है। यहाँ पर माइक्रो यूएसबी वाली चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो हुक दिए गए ये आपके कानों में बहुत बढ़िया तरीके की फिटिंग आएगी। मैं आपको पहन के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फिटिंग देखने को मिलेगी। बाकी आगे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो हमारे ईयरबड्स हैं उनकी शेप कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ये आपके कानों के अंदर पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं। और यहाँ पर कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है कि ये इतने बड़े हैं और कानों में कैसे फिटेंगे। लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ और फिट कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी, और पीछे की तरफ आपको ब्लिंकिंग लाइट भी देखने को मिलेगी जब आप इनको ऑन या ऑफ करोगे। तो ये था इसका ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि फिटिंग के अंदर आपको कैसी देखने को मिलेंगे इनकी जो शेप और साइज़ है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं इन नेक बैंड या फिर ईयरबड्स या फिर TWS में, कुछ भी बोल सकता हूँ इनको, और वो चीज़ कैसी देखने को मिलेगी, जल्दी से बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर इनकी फिटिंग वगैरह चेक करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपको ये पहनने के बाद देखने को मिलेंगे। लेफ्ट और राइट की ब्रांडिंग है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। और थोड़े से बड़े इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको फिटिंग अच्छी देने के लिए यहाँ पर हुक्स दिए गए, और आपकी जो फिटिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त आनी चाहिए जब आप रनिंग वगैरह करना चाहते हो या फिर किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहते हो। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से फिटिंग आपको देखने को मिलेगी, और काफ़ी बढ़िया तरीके से फिटिंग आती है। रनिंग वगैरह करोगे तो ये ना तो आगे आएगा और ना ही ये हिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको हुक्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं नॉइस कैंसिलेशन की बात करूँ, जो कि पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है, तो मैं कहूँगा कि लगभग 50-60% तक जो ऑडियो है बाहर का रुक गया है, मुझे खुद की आवाज़ बहुत कम आ रही है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं वो इन ईयरबड्स के अंदर या फिर मैं कहूँ नेक बैंड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो कि काफ़ी अपडेटेड है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो IPX7 की रेटिंग है इसके साथ मिल जाती है, यानी कि पसीना वगैरह भी आएगा या फिर पानी में भी डायरेक्ट डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन मिल जाता है, जहाँ पर आपको CVC 8.0 की जो कनेक्टिविटी है वो इसके अंदर
यूज़ कर रखी है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्वालकॉम का जो चिपसेट है 3003 वो यूज़ कर रखा है, जो कि इसकी कनेक्टिविटी के अंदर आपको एकदम सीमलेस तरीके से कनेक्टिविटी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर हम बैटरी वगैरह की बात करें तो लगभग 8 से 10 घंटे का कंपनी क्लेम करती है, और वो डिपेंड करता है कि आप कितने वॉल्यूम पर इसको सुनते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो स्टैंड बाय टाइम है वो काफ़ी बढ़िया 250 घंटे का है, और लगभग 7 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ। रेगुलरली यूज़ नहीं किया है मैंने, लेकिन फिर भी 7 दिन पहले एक बार चार्ज करा था, और अभी भी जो इसकी बैटरी है शायद 60% या 70% शायद अभी भी है। मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करा, लेकिन जितना भी यूज़ करा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर और भी एक फीचर बढ़िया देखने को मिलता है, जो कि है ड्यूल डिवाइस पेयरिंग मोड, यानी कि दो डिवाइस एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे कि आपने आप लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है और अपने फ़ोन पर भी आप इसे कनेक्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी इन ईयरबड्स के या फिर नेक बैंड के अंदर। अब दोस्तों जल्दी से बात करते हैं कि यहाँ पर आपको इनकी माइक्रोफोन की जो आउटपुट है वो कैसी देखने को मिलेगी जब आप कॉल वगैरह करोगे, और इसके साथ साथ ऑडियो कैसा है यहाँ पर, और गेमिंग के अंदर क्या कुछ परफॉर्मेंस है इसकी या फिर नहीं है, इसकी बात करते हैं और फिर मैं बताता हूँ उनको कि ये वैल्यू फॉर मनी है या फिर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों अब जल्दी से बात करते हैं इन नेक बैंड्स या फिर ईयरबड्स की माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में। तो अभी जो ऑडियो सुन रहे हो वो इस माइक्रोफोन से सुन रहे हो, इसके बाद हमने स्विच कर दिया इन नेकबैंड या फिर ईयरबड्स के माइक्रोफोन पर, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि इंडोर कंडीशन के अंदर इनका जो माइक्रोफोन है वो किस हिसाब से काम करता है। बाकी नॉइस कैंसिलेशन वगैरह की बात करूं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर टेबल को पीट के देखते हैं और फिर देखते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन कैसा काम करता है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि इसका नॉइस कैंसिलेशन किस तरीके से काम करता है, या थोड़ी बहुत आवाज रिड्यूस होगी या फिर नहीं। और बाकी मैं माइक्रोफोन का आउटपुट भी सुना देता हूँ इसी के साथ साथ, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा दोनों में कितना डिफरेंस है। तो दोस्तों आपने सुना इसका जो माइक्रोफोन का आउटपुट था वो कैसा था। अब मैं बात करना चाहूँगा पबजी की, तो पबजी के अंदर मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम सीमलेस आपको जो लेटेंसी है वो देखने को मिलती है, मतलब एकदम रियल टाइम तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको लैग देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मेन बात है कि ये पबजी के लिए तो नहीं बनाए गए, ऑब्वियसली बात है ये स्पोर्ट्स कैटेगरी के एक ईयरबड्स हैं, तो यहाँ पर पबजी को हम छोड़ते हैं। बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी की, कि ऑडियो क्वालिटी में कैसे मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको फिटिंग अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से इसका जो ऑडियो वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है। और दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ इनके वोकल्स की, तो यहाँ पर वोकल्स के मामले में तो ये क्लियर हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको डायलॉग वगैरह या फिर मूवी देखते हो या फिर गाने वगैरह सुनते हो, स्पोर्ट्स या फिर रनिंग वगैरह करते वक्त, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो भी ईयरबड्स होते हैं उनमें थोड़ा सा आपको जो ऑडियो है या फिर बेस है वो थोड़ा बूस्टअप किया जाता है, यहाँ पर भी ये चीज़ आपको देखने मिलती है इंडियन यूज़र के लिए। बेसिकली यहाँ पर आपको मिड सेक्शन वगैरह में मैं कहूँगा कि इतनी कोई डिटेलिंग नहीं है, हल्की फुल्की डिटेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन प्लस पॉइंट है इसके बेस क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। आपके कानों के अंदर जब ये फिटिंग बढ़िया तरीके से आती है तो यहाँ पर बेस आपको काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ अगर आप कॉल वगैरह कर रहे हो तो यहाँ पर आपको जो वोकल्स हैं वो भी क्लियर हैं, तो आपको एक एक जो वॉइस है जो भी आपसे बात कर रहा है उसकी जो आवाज़ें हैं वो बहुत क्लियर तरीके से आती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन भी मिल जाता है। तो ऑडियो के मामले में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको ऑडियो स्पोर्ट्स कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, आपको ऑडियो क्लियर मिल रहा है और बेस भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो डिवाइस है मतलब 1500 रुपये के कुछ आसपास आता है, और यहाँ पर अगर मैं इसके प्राइस के हिसाब से बात करूँ मतलब यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं, ब्लूटूथ 5.0, IPX7 की रेटिंग, नॉइस कैंसिलेशन, और यहाँ पर आपको क्वालकॉम का चिपसेट मिल रहा है, और बहुत बढ़िया फिटिंग के साथ साथ ऑडियो भी ज़बरदस्त है। तो मेरे हिसाब से अगर आप स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर कोई ईयरबड ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आपको टच वाले नहीं पसंद, इंटीग्रेटेड बटन वाले पसंद है, तो और यहाँ पर सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ हाथ लगाते हैं और वो अपने अकॉर्डिंग ही मतलब कभी उसमें प्लस माइनस वॉल्यूम हो जाता है या फिर नेक्स्ट प्रीवियस हो जाता है। यहाँ पर आपको हर चीज़ का पता लगेगा कि हाँ आप किस बटन को प्रेस कर रहे हो और किस बटन से आपको क्या फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी इस नेकबैंड के या फिर ईयरबड्स के अंदर, और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर कोई ईयरबड ढूंढ रहे हो तो। बाकी अगर आपको बाय वगैरह करना है तो लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो इस नेकबैंड को। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।